सवाल जो आपके हमें क्या बोल रहे हैं? लिरिक्स लिरिक्स आप म्यूजिक डायरेक्टर आप म्यूजिक सर आपने इसमें कैमरे में देखा? हाँ जी, इस फिल्म अन्य में सिमी जोसेफ के निर्देशन में बनी फिल्म अन्य में मैंने गीत लिखे हैं और मेरे गीतों के लिए धुन बनाई है विपिन पटवा म्यूजिक डायरेक्टर ने। सर आपको डायरेक्टर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया था जो आपने इस तरह का गाना बनाना है कैसे आप? हाँ, वो डायरेक्टर सिमी जोसेफ ने मुझे कहानी समझाई थी कि उसमें किस तरह के समाज में जो विसंगतियाँ हैं, जो विद्रूपताएँ हैं, उनको वो खोलना चाह रहे हैं, तो वो सिचुएशन को समझते हुए हमने लिरिक्स में उसे उन बातों को उस कंटेंट को निकाला। तो उसके बाद लिरिक्स किस तरह का गाना है और कितने गाने हैं? अब उसमें तीन गाने हैं, एक क्यों खो रही मेरी जमी क्यों खो रहा मेरा आसमां, और रात की पहेली हूँ मैं एक आइटम सॉन्ग है, और चौराहे पे एक गाना है। तो कुल तीन गाने मैंने लिखे हैं जिसकी धुन विपिन पटवा ने बनाई। आप ये फिल्म देखिए, एक फिल्म जो है ये सोसाइटी को रिप्लिकेट करने वाली फिल्म है, तो इसके जो भी इसकी मतलब कह सकते हैं जो भी इसका लिरिक्स है या म्यूज़िक है उसी सोसाइटी के हिसाब से रिवोल्यूशन टाइप की बातें हैं, और चूँकि सिमी जी भी जेएनयू से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने अपनी बात को बहुत प्रभावी तरीके से कहने की कोशिश की, और सागर जी का से फ़ायदा ये हुआ कि इस बात को हम बहुत अच्छे से कह पाए। और बस आपके इसमें क्या ये आपकी लिरिक्स म्यूजिक डायरेक्टर गाने बनाए? हाँ, तो आपका माइंड में क्या था, किस तरह का अपने उसको धुन को बनाना है, किस कैसे बनाना है, उसको कैसे किस तरह का मीटिंग हुआ और आप लोगों को कितना दिन लगा इसको कंप्लीट करने का? बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि ये फिल्म जो है और इसका सब्जेक्ट जो है वो हमारे विचारधारा से काफ़ी आसपास है, तो जब आपके विचारधारा के आपके थॉट के आसपास की कोई फिल्म होती है, आप सोसाइटी के लिए कुछ कहना चाहते हैं, तो आपका थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये फिल्म उन फिल्मों में से एक है जो हम अपनी बात कहना चाहते थे वो बात इसके थ्रू कह पाए, तो बहुत मुश्किल नहीं हुई और बहुत आसानी से हम लोग बात कह पाए। तो इससे पहले आपने कितना फिल्मों में ये दिया है? एक बार आप स्वयं गूगल पर सर्च करेंगे किए हैं, कब 10-15 फिल्में किए हैं है इस आपका सुपर हिट कौन सा गाना रहा? सारे गाने हिट हैं यार, सुपर हिट के एक गाने को क्या बोले, आप क्या गाने सुनेंगे यार, अभी इस फिल्म के आए दूसरे गाने क्यों सुनना चाहते हैं आप? सागर जी सुनाएंगे फिल्म, देखेंगे गाने वाने क्या नहीं, गाने तो म्यूजिक डायरेक्टर ही सुनाएंगे, बट आपने भुज के गाने भुज की है, निगमा अभी रिलीज हो रही है, मेरा बम्बई में काबा मनोज वाजपेयी के साथ अनुभव सिन्हा, हाँ तो अनुभव सिन्हा के निर्देशन में जो गाना आया था मनोज वाजपेयी का बम्बई में काबा का गीत मैंने लिखा था। दे दे प्यार दे है, भुज है, निकम्मा है, दास देव है, लाल रंग है, बॉलीवुड डायरीज है, हम चार ऐसे काफ़ी फिल्में हैं, हाँ और भी 5-6 फिल्में सब रिलीज हो गई। तो अभी आपका ये तो अभी आने वाली फिल्म रिसेंटली निकम्मा रिलीज होने वाली है, बस आने वाली 16 को, तो निकम्मा के गाने सुनेंगे आप। सॉरी, और भी फिल्में एजेंट दुर्गा आप आने वाली फिल्म देखेंगे, फिर हरिओम हरी देखेंगे, कृष्णा को अबेडेड की फिल्म देखेंगे, कई सारी और फिल्में हैं, कुछ और भी सिंगर्स हैं, कहना चाहेंगे फिल्म आप देखिए और सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी की समस्याएं क्या हैं, सोसाइटी में क्या रिवोल्यूशन होना चाहिए उसको लेके, उस विचारधारा को लेके फिल्म बनी है, तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। बाकी कुछ सिंगर्स हैं आपको लगाना चाहता हूँ, ये इन्होंने इस फिल्म में गाना गाया है, साक्षी हैं और गाना इन्होंने भी किया, आपका नाम बोल रहा है रामनाथ जी, आप बाकी का भी सामने आइए, आप बाकी का इंटरव्यू आप रामनाथ जी से लीजिए। हाय, आप रामनाथ जी आपको बताए सिंगर है? हाँ जी, हाँ जी। और आप, मैं सवाल यहाँ से करूँगा लेकिन आप वहाँ देखेंगे, चलिए साक्षी। हाँ जी, साक्षी होलकर। साक्षी जी, आपने किस तरह का गाना गाया? जी मैंने इसमें दो सॉन्ग्स गाए हैं जिसमें एक सॉन्ग आइटम नंबर है और दूसरा सॉफ्ट रोमांटिक नंबर है। सो ऑब्वियसली आई एम रियली वेरी हैप्पी
कि आज मैं यहाँ पर हूँ. आई एम थैंकफुल टू विपिन सर जिन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया है इन दोनों सॉन्ग्स का, सिमी जी जिन्होंने इतनी प्यारी फिल्म डायरेक्ट की है इतने अच्छे कॉन्सेप्ट पे. सो आई थिंक सिंगर के लिए जब भी इंटरव्यू की बात होती है तो आई गेस इट्स ऑल अबाउट सिंगिंग, इट्स नेवर अबाउट स्पीकिंग. सो आई जस्ट सिंग टू लाइन्स फॉर यू ऑल. रात की पहली हूँ मैं, आज ही अकेली हूँ मैं. जी मैं बेसिकली इंदौर से हूँ, मुझे कुछ 4-5 साल हो गए अभी बॉम्बे के अंदर. और भी मेरे काफ़ी सारे सॉन्ग्स रिलीज़ हुए हैं जिसमें सनी लियोन के लिए मैंने एक सॉन्ग गाया है, बाकी सिद्धार्थ मल्होत्रा जी के लिए, परिणीति चोपड़ा के लिए. सो प्लीज़ आप लोग सर्च कीजिए साक्षी होलकर, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए. मैं चाइल्डहुड से एक्चुअली गाती हूँ और मेरे फादर एक्चुअली एज एन हॉबी गाते हैं, तो उनके कारण मुझे उनके कारण ही मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया सीखना और गाना. सो या तो आपका आने वाले फिल्म और क्या क्या फिल्म? अभी नेक्स्ट वीक में मेरी एक और फिल्म रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है 8वां रंग प्रेमा चा, जिसमें रिंकू राज जी ने एक्ट किया है. उसमें मेरा एक सॉन्ग है जो रिलीज़ हो गया है आइकना, उसकी भी मैं 2 लाइन सुना देती हूँ. ना नजरे साधा का नजरे ला जोड़ू देना, हृदया सा ठोका हल्का सा बढ़ू देना, ऐकना. सो ये मेरा एक दूसरी मूवी है. दर्शकों को क्या कहना चाहूँगी कि आपको गाना है, गाने से एक फिल्म मैं पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ फिलहाल, क्योंकि हम बडिंग आर्टिस्ट हैं, अभी हम लोग इंडस्ट्री में कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की, एस्टेब्लिश होने की. तो मेरे लिए फिल्म बहुत मेरी फर्स्ट आई थिंक ऐसी फिल्म है जिसमें मैं यहाँ पर आई हूँ. उसके पहले मैंने साउथ मूवीज़ की, तो मेरी पहली मराठी मूवी है. सो आई एम रियली हैप्पी और प्लीज़ आप लोग देखिए जाके अपने नज़दीकी थिएटर में, प्लीज़. थैंक यू. मैंने ये मूवी में एक सॉन्ग किया और एक परिंदे नाम पे एक सॉन्ग किया. तो सिमी सर तो एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं, तो सर ने मुझे एक्सप्लेन किया ये सॉन्ग का सिचुएशन. एक सूफी टाइप सॉन्ग है, बेसिकली एक सूफी टाइप सॉन्ग है और एक परिंदे नाम पे. तो इसका लिरिसिस्ट है सजीव सारथी, वो दिल्ली से है. हमने बहुत ज़्यादा काम किया इसके पहले, तो happy to be here for the preview of this movie. Marathi song pehla song hai ya Marathi mein pehle kaam hai, to maine South Indian movies mein 3-4 movies mein kaam kiya iske pehle. To this is my 5th film, so Marathi mein pehla film hai. To Marathi mein jo aap pehla jo gana aapne diya, to ye gana hai jo apne kacche suna, uske baad aapko aisa kya laga ki main ga paun ki nahi ga paun, uska bhasha alag hai pura. हाँ, तो सिमी सर ने बहुत लाइक खूबसूरत स्टोरी बनाया और एक्सप्लेन किया, तो मुझे मेरे लिए वो क्रिएटिव स्पेस भी दिया. तो बहुत इजी था काम करना, मेरा फ्रीडम था, तो इसलिए मैं भाषा अगर गाने का अगर आपको पूरा नहीं मालूम चलेगा तो अंदर से मतलब वो चीज़ नहीं हो. हाँ हाँ, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच होना बहुत ज़रूरी है. सो यस, सो उसने सिमी सर ने बहुत क्रिएटिव स्पेस दिया और पहले ट्यून भी वो अप्रूव किया, तो बहुत इजी था काम करना, तो बहुत अच्छा खूबसूरत एक्सपीरियंस था. थैंक यू. सर यहाँ पे फोटो करिए. क्या करेक्टर है और किस तरह का करेक्टर इस फिल्म में? मेरा कैरेक्टर जो है थोड़ा नेगेटिव है, नेगेटिव शेड के साथ है, और जिस तरह का मैं रहता हूँ आप मुझे देख रहे हैं, थोड़ा लुक भी चेंज आपको मिलेगा फिल्म में देखने के लिए. और कैरेक्टर नाम देसाई है, जो एक ट्रक ड्राइवर है जो हीरो के साथ मूव कर रहा है और कहानी में कैसे कैसे वो चेंजेस लाता है और कहाँ कहाँ उसके साथ गलत कर देता है, तो उस पर पूरी कैसा आपका उम्मीद इस फिल्म से? मेरी उम्मीद मुझे ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, लेकिन जितना भी किया है अभी तक उसमें वन ऑफ द बेस्ट काम ये होने वाला है. और जितने भी लोग अब देखेंगे, इंडस्ट्री के लोग भी देखेंगे, तो उनको अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि जिस तरह का ये कैरेक्टर प्ले किया है मैंने, वो थोड़ा डिफरेंट है मेरे खुद के कैरेक्टर से भी. आपका क्या कैरेक्टर? मेरा कैरेक्टर नेम मिलन है और वो टपोरी से लड़का है. मिलन और वो एक बस्ती का टपोरी से लड़का है
जो पैसे के लालच में कोई भी गलत काम करना, छोटे मोटे बुरे काम करना ताकि उसे कुछ पैसे बन जाए, तो उस लिहाज से वो काम करते हैं। और फिर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो मेरा भी जो है एनकाउंटर है, जैसे लोकेश सर ने बताया प्रथमेश के साथ उनका बहुत अच्छे सीन है जो फिल्म को लीड कर रहा है सरताज। और मेरे बस्ती का वो लड़का है जिसको कि मैं एक ब्रिज का काम करता हूँ और जब जरूरत होती है अतुल सर के करेक्टर को या फिर रहीमा भूषण के करेक्टर को तो मैं मुहैया कराता हूँ। हालांकि उससे पहले मेरा इनका भी एक रिलेशन है जो फिल्म में कहीं ना कहीं दिखाया गया है, मतलब पास्ट में है कि हम साथ में काम कर चुके हैं, लेकिन न्यू ज्वाइनिंग है सरताज की प्रथमेश की, तो वो फिल्म को कैरी ऑन करता है। हाँ। तो जैसे फिल्म का टॉपिक है अन्य, तो इसमें मेन मकसद ये रहता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक डबल आइडेंटिटी होती है, राइट। वो कोशिश करता है कि मैं बुरा भी हूँ तो भी कुछ अच्छा कर सकूँ, लेकिन किसी कारणवश से वो नहीं कर पाता है। तो लेकिन जैसे इन्होंने बताया इनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन लास्ट में जाते जाते कहीं ना कहीं वो भी सोचने पे विवश हो गया होगा अनवेन कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। जब हम फिल्म देख के निकलेंगे तो लगेगा कि नहीं यार हमें कुछ बेहतर करना है। जैसे मेरा कैरेक्टर है शुरू में नेगेटिव है, पैसों के लालच में कुछ छोटे मोटे उल्टे सीधे काम करता है, लेकिन लास्ट में जब वो अतुल सर के कैरेक्टर से एनकाउंटर होता है तो हिमोटाइज होकर लास्ट में एक बेहतर इंसान बन जाता है। तो कुछ इस तरह का स्टोरी। एक्चुअली आपका लैंग्वेज की मराठी है कि कौन सा भाषा का आप? हम लोग हिंदी 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 मतलब जो मराठी में जब काम किए तब मतलब ऐसा देखिए लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं है, बैरियर नहीं होता है और एक लॉन्ग हिस्ट्री है। तो हम तो एक एक्टर चाहता है कि हम और भी भाषाओं में काम करें ताकि हमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके एक्सेंट वाइज लैंग्वेज वाइज, तो हमारे लिए कभी बैरियर नहीं रहा। और इमोशन तो सेम होता है, आप किसी भी भाषा में रहोगे तो समझ में आएगा आप रो रहे हो, किसी भी भाषा में हंसोगे तो लगेगा इट वॉज नेवर बीन बैरियर फॉर। तो क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों? और मैं दर्शकों से ये हम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे इस फिल्म को आप देखें, इसमें जिस मुद्दे को भी उठाया गया है वो मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, उसी मुद्दे की कहानी है पूरी, और लोगों के बीच में ये कहानी जानी चाहिए क्योंकि हमेशा से ये बात रही है कि बुराई पे अच्छाई की जीत, तो ये हमेशा से होना भी चाहिए कि जो काम गलत हो रहे हैं हमारे देश में या देश के बाहर भी और जो चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। इसी पूरी फिल्म जैसे हम इस समाज को सुधारने की बात नहीं कर रहे हैं, हम समाज में एक सवाल पैदा कर रहे हैं, एक तरह का मिरर दिखा रहे हैं कि अगर आप काबिल हैं और आपको लग रहा है कि आपके आसपास कोई भी घटना है जो गलत हो रही है, अगर आप थोड़ा सा आपके इनिशिएटिव करें और वो बेहतर हो सके तो आपको ज़रूर करना चाहिए। इस फिल्म को देखेंगे तो आपको बहुत सेंसिटिव चीज़ें दिखेंगी और मैं चाहूँगा कि आप लोग फिल्म को देखें तो और ज़्यादा हमसे बात कर पाएंगे इसके बारे में। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा सिमी सर के बारे में। यस प्लीज। सिमी सर जो हमारे डायरेक्टर हैं सिमी जोसेफ, डॉक्टर सिमी जोसेफ, वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत प्यार से ये फिल्म बनाई है, तो ये सबके बीच में जानी भी चाहिए। और जब वो कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते थे तो बहुत प्यार से सब कुछ बताते थे कि मुझे ये ऐसा चाहिए, तो उनके कहने पे ही हम लोग ने किया है और जितना हम कर पाए हैं वो आपके सामने आ ही जाएगा। थैंक यू। और थैंक यू लास्ट में कि जो भी दर्शक देख रहे हैं प्लीज़ आप सिनेमा घर में जाएं, 10 जून को फिल्म रिलीज हो रही है जी, आप इसको ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर क्या कहेंगे अन्य फिल्म में मराठी में अभी आप आए हैं? अन्य ये जो फिल्म है ये मराठी और हिंदी में बनाई गई है, मुझे अच्छी बात लगी कि यहाँ हमारे 6 एक्टर हैं मराठी एक्टर हैं, बट ये तो हमें अच्छा लगता है। हम रोहित शेट्टी के पिक्चर में काम करते हैं, 16 मराठी एक्टर होते हैं, सिम्बा में तो हम 16 थे, सिंगम में हम 14 थे, तो इसीलिए कि आजकल मराठी एक्टर बहुत आने लगे हैं, अच्छे कैरेक्टर करने को देख पा रहे हैं। बेसिकली ये कहने अन्य ये फिल्म है एक सोशल सब्जेक्ट पर ये फिल्म है और नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर है सिमी जी, उन्होंने बनाई है और मैंने फिल्म तो देखी नहीं, जो मैंने पढ़ा है उस दौर से मैं बोल रहा हूँ कि एक डिफरेंट एक स्टोरी है। अतुल कुलकर्णी को मैं बहुत दिनों के बाद देखूँगा, हिंदी में आपने काफ़ी देखा है, मराठी में आपने देखा है, प्रथमेश परब जो हमारे मराठी का स्टार है, जो प्ले का स्टार है, मराठी फिल्म का स्टार है, वो है रिमी सेन, वो है बहुत बहुत दिनों में अच्छा एक्टर देख रहा हूँ, इसके कॉम्बिनेशन में बहुत सालों के बाद देख रहा हूँ, तो मुझे लगे बेसिकली ये अच्छी रहेगी फिल्म और अच्छी होनी चाहिए। सर एक सवाल है हट से, मतलब जो अभी देखिए हिंदी फिल्म लगातार पिटते जा रहा है लेकिन मराठी फिल्म के बाजार जो है अभी बहुत बड़ा हो गया,
तो इस फिल्म में आपको क्या रहा है, तो मराठी फिल्म कैसे बहुत अच्छे अच्छे फिल्म बन रहे हैं, कहानी भी उसमें बन रहा है, इसलिए आगे जा रहे हैं मराठी फिल्म की? वो जो है बेसिकली क्या है, मराठी तो पहले से स्ट्रांग थी एज ए कॉन्सेप्ट वाइज, बहुत पहले से बहुत आगे थे, बहुत आगे कि मैं तो पहले से मराठी फिल्म कर चुका हूँ, तो कॉन्सेप्ट वाइज और बायोपिक अच्छी आ रही है या पैसे बहुत लग रहे हैं। हाँ हाँ, आज हंबीराम मोहिते का बजट 12 करोड़ बजट है और 3 वीक में उसका बिजनेस 18-20 करोड़ हो चुका ऑलरेडी। OTT प्लेटफॉर्म से अच्छे ऑफर है, चैनल से अच्छे ऑफर है, मुझे ऐसे लग रहा अभी अगर यहाँ बहुत ही अच्छी चल रही है या क्या बोलते हैं हिस्टोरिकल अच्छी चल रही है, फिर यहाँ हिस्टोरिकल क्यों नहीं अच्छी थी कभी भी सम्राट पृथ्वीराज बनी वो क्यों अच्छी, वो मैं ताजुब हो रहा हूँ, मतलब क्यों वहाँ होनी चाहिए थी क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज जी सबसे बहुत अच्छा, बहुत बड़ा स्टार है उसमें, अक्षय जी है, बहुत बड़े डायरेक्टर है, क्यों हो नहीं पा रहा है मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन मराठी में बहुत अच्छी फिल्म आ रही है, आगे देखिए भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी मराठी फिल्म आ रही है। सर आपने भी बहुत सारे फिल्म डायरेक्ट किया, मैंने बहुत सारे आपको फिल्म भी देखे हैं, तो अभी कौन सा आपको कोई फिल्म आ रही है? अभी मैंने तो 7-8 फिल्म एज एन एक्टर ही मैं कर चुका हूँ, मैं कर रहा हूँ 2 फिल्में मैं कर रहा हूँ, इन फ्यूचर आ जाएगी शायद नेक्स्ट ईयर करूँ, क्योंकि अक्टूबर तक तो हमारे सर्कस से भी फुर्सत नहीं है मुझे, सर्कस जुलाई में सर्कस कम्प्लीट हो जाएगी, बाद में डबिंग हो जाएगी, क्योंकि दिसंबर में सर्कस रोहित शेट्टी की फिल्म है वो रिलीज होने जा रही है। आप इतने तजुर्बे वाले एक्टर हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो हिंदी फिल्म पीट रही है उसकी वजह क्या होगा? मुझे लगता है एक सैचुरेशन आया होगा, मुझे ऐसा लगता है एक सैचुरेशन आया हिंदी में, ऐसी हम ऐसी फिल्में कब तक देखेंगे, कहाँ तक देखेंगे, क्योंकि लोगों क्या लग रहा है बहुत सच सच चीज़ें चाहिए, बहुत सच, क्योंकि नेटफ्लिक्स देखिए OTT प्लेटफॉर्म देख रहे हैं उनको उनको ये देखने को मिल रहा है बहुत सच चीज़ें देखने को मिल रही है, तो यहाँ मुझे लगती है कुछ एंटरटेनमेंट वाइज नहीं उनको जो जश्न है, और रोहित शेट्टी की फिल्म हमारी चल रही है क्योंकि करेक्ट एंटरटेनमेंट होता है, जो सिम्बा देखी, बाबी सूर्यवंशी देखी, एक करेक्ट मतलब एकदम मतलब 100% एक एंटरटेनमेंट है, इसलिए वो अच्छी चल रही है। लेकिन साउथ कमल हासन का पिक्चर तो चल रही है और अक्षय का पिक्चर उतर गया, वो तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एक जगह साउथ और एक जगह मराठी दोनों रिजनली चल रही है, और साउथ का देखने जाए तो वाह 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 वाह, वो तो जिस तरह से फिल्म बना रहे हैं मतलब मैं तो अचंभित हूँ, मैंने KGF देखी, अरे वाह रे, अब मतलब अपनी ऐसी हिंदी में फिल्म कब बनी है, मैंने तो हॉलीवुड में देखी है, RRR देखी, ऐसी फिल्म तो मैंने हॉलीवुड में देखी है, ये जो 3 फिल्म है साउथ के शायद इसके हाँ 4 फिल्म है सर, पुष्पा से चालू है, पुष्पा बाद में बाहुबली उसके पहले, पुष्पा KGF और अभी विक्रम तो अचंभित हूँ, मतलब क्या कन्विक्शन से बना रहे, हाँ कन्विक्शन मुझे लगता है कन्विक्शन अच्छा, हमारे मराठी का कन्विक्शन और साउथ का कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए फिल्में अच्छी लग रही है, शायद हिंदी का कन्विक्शन कुछ 19-20 वो आई डोंट नो। आपके दर्शकों को क्या करना चाहिए? मैं दर्शकों को यही चाहूँगा भैया मराठी फिल्में देख रहे हो, साउथ की फिल्में देख रहे हो बहुत अच्छा है, उस तरह हिंदी को भी हमारे प्यार दो, हम हिंदी में काम कर रहे हैं, फिर मराठी और साउथ में हिंदी में अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है, उससे भी पीछे हमारे आशीर्वाद की तरह हमारे पीछे रहो। हॅलो नमस्कार, मी मराठीमध्ये बोलायचं आहे, हां मैं चारुशीला साबळे मच्छानी हूँ, और ये फिल्म है ये सिम्मी जोसेफ नाम के एक बहुत ही अच्छे दिग्दर्शक ने जिसने कथा भी लिखी है इसकी, और उसने ये लिखी है फिल्म और डायरेक्टर की है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस फिल्म में सारे मराठी दिग्गज कलाकार इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने करके लिए, उन्होंने मराठी आर्टिस्टों को बहुत बड़ा एक स्टेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि वो हिंदी में सबके सामने आने वाले हैं, और ये करना ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, अलग है, इसका जैसा नाम अलग है अन्य, वैसे ये सब्जेक्ट भी बहुत अन्य है, अलग है, तो मेरी ये दरख्वास्त है सब लोगों से कि आप ज़रूर ये फिल्म देखें, ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, और
बहुत ही अलग सब्जेक्ट है इसका, और सारे मराठी कलाकार जैसे अतुल कुलकर्णी है, तेजश्री प्रधान है, और जितने भी आप नाम लो 6 या 7 मराठी कलाकार इसमें बहुत अच्छी भूमिकाओं में है, इसलिए ये चित्रपट आपको देखना ही पड़ेगा, ये फिल्म आपको देखनी पड़ेगी और देखनी चाहिए, जैसे मैं आज यहाँ देखने आई हूँ। थैंक यू वेरी मच। अन्य एक बहुत बढ़िया फिल्म है। अन्य की जैसी लाइन है कि एक आदमी में हमेशा 2 आदमी बसते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, और वैसे ही मेरा जो कैरेक्टर है इसमें सरताज नाम का, वो पहले थोड़ा पॉकेटमार होता है, थोड़े बहुत झोल करता है दिल्ली में, लेकिन उसे जब कुछ उसके लाइफ में होता है, मैं बता नहीं सकता क्या होता है क्योंकि फिल्म की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो जब उसके लाइफ में ये लोग आते हैं, अतुल कुलकर्णी, रायमा सेन, भूषण प्रधान, तब उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, और वो कैसी होती है वो आपको अन्य में दिखाई देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ट्रेंड चल रहा है ना लार्जर दैन लाइफ फिल्म देखते हैं लोग, तो ये जो फिल्म है एकदम रियल फिल्म है, एकदम जो मतलब कुछ लोग तो आपको इतने रियल दिखाई देंगे इसमें कि असली में ये लोग ने कैमरा छुपा के इसमें शूट किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया फिल्म है। आप प्लीज़ थिएटर में जाइए और 10 जून से अपने नज़दीक दूर जहाँ कहीं ये फिल्म लगी हो प्लीज़ जाए और फिल्म देखिए अन्य। हिंदी मराठी जो पहले पूछेगा माझ्या भूमिकेचं नाव दीपक आहे आणि अन्य हा चित्रपट आमचा आम्ही सगळेजण खूप जास्त आतुरतेने वाट पाहत होतो। खरं तर हा चित्रपट कधी रिलीज होतो आहे ते कारण नक्कीच सगळ्यांना माहिती आहे की लॉकडाऊनमुळे बरेचसे चित्रपट राहिले होते आणि त्यात लॉकडाऊनच्या काळात जस्ट आधी आमचा हा चित्रपट रेडी झाला होता आणि खूप आतुरतेने आम्ही वाट पाहत होतो की चित्रपट कधी रिलीज होतो आहे। तो फायनली आज म्हणजे 10 तारखेला रिलीज होतो आणि आज त्याचा प्रीमियर होतो आहे, म्हणून जितक्या आतुरतेने प्रेक्षक वाट बघत होते तितकीच आतुरता आम्हाला होती की हा चित्रपट प्रेक्षकांसमोर कधी येतो आहे आणि फायनली तो येतो आहे। खूप चांगला विषय, खूप गंभीर असा विषय या चित्रपटातनं मांडला गेलेला आहे आणि उत्कृष्ट सहकलाकार आहेत अतुल कुलकर्णी, रायमा सेन, अख्खी टीम जी आहे ती मी म्हणेन की भारतातून सगळे एकत्र आलेत, नॉर्थ, साऊथ, ईस्ट, वेस्ट, कारण आमचे जे डिरेक्टर आहेत किंवा प्रोडक्शनपैकी बऱ्यापैकी टीम ही साऊथची होती, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री किंवा केरळमधले आमचे डिरेक्टर आहेत सिम्मीजी, तर हे शूट केलं आम्ही दिल्लीत नॉर्थमध्ये, ॲक्टर्स आहेत ईस्ट आणि वेस्टमधले, रायमा डेफिनेटली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री प्लस कोलकाता फिल्म इंडस्ट्रीमधली आहे, हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये अतुल कुलकर्णी प्लस आपले बाकी मराठी ॲक्टर्ससुद्धा, असे सगळे जण नॉर्थ, साऊथ, ईस्ट, वेस्ट मिळून हा चित्रपट समोर आलेला आहे, कारण काय विषयसुद्धा तसाच आहे, कारण काय एका प्रदेशात किंवा एका राष्ट्रातला हा विषय नसून सगळीकडेच ओव्हरऑल आहे, तो आपल्यासाठी किती गांभीर्याने आपण विचार केला पाहिजे, सतर्कता कशी ठेवायला पाहिजे आणि त्याचबरोबर प्रत्येक माणसाचा चांगला आणि वाईट माणूस हा असतो, आपल्यावरती असतं की आपण कशावरती फोकस करणार आहोत आणि फायनली तसं ते या चित्रपटातनं तुम्हाला कळणार आहे की तुम्हाला कोणाची साथ द्यायची। थँक्यू।